नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज पॉलिटिकल बाइट और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। एक तरफ सियासी घमासान मच रहा है तो दूसरी तरफ राजस्थान की सियासत में चुनावों से पहले एक अलग ही बाढ़ आती हुई नजर आ रही है। जी हां, और ये बाढ़ है वसुंधरा राजे की तरफ से। वसुंधरा राजे ने एक बार फिर से कांग्रेस के ऊपर निशाना साधा है और अपने ऊपर लग रहे आरोपों को खारिज किया है। क्या कुछ कह रही थी वसुंधरा राजे, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रविवार को पूर्व सीएम और बीजेपी नेता वसुंधरा राजे को कांग्रेस सरकार के लिए संकट मोचक बताया। अशोक गहलोत ने दावा किया कि 2020 में कांग्रेस के कुछ विधायकों की बगावत के वक्त वसुंधरा राजे और बीजेपी नेता कैलाश मेघवाल ने उनकी सरकार बचाई थी। गहलोत के इस दावे के बाद राज्य में सियासी घमासान तेज हो गया है। वसुंधरा राजे ने कहा कि अशोक गहलोत 2023 में होने वाली हार से भयभीत होकर झूठ बोल रहे हैं, ये गहलोत की उनके खिलाफ साजिश है। दरअसल कांग्रेस नेता सचिन पायलट के नेतृत्व में जुलाई 2020 में कांग्रेस के 18 विधायकों ने बगावत कर दी थी। पार्टी हाईकमान के दखल के बाद एक महीने तक चला ये सियासी ड्रामा खत्म हुआ था। इसके बाद पायलट को डिप्टी सीएम पद और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया गया था। अशोक गहलोत धौलपुर में एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान गहलोत ने कहा कि जब वे कांग्रेस के अध्यक्ष थे तो उन्होंने राज्य में भैरव सिंह शेखावत के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार को गिराने की कोशिश का समर्थन करने से इनकार कर दिया था। इसी तरह 2020 की बगावत के वक्त वसुंधरा राजे और मेघवाल ने कहा था कि राजस्थान में चुनी हुई सरकार गिराने की कोई परंपरा नहीं है। कैलाश मेघवाल बीजेपी के मौजूदा विधायक है, वे स्पीकर भी रहे हैं। अशोक गहलोत ने कहा कि मैं चाहता तो भैरव सिंह जी की सरकार गिरा सकता था। मैंने कहा कि यह अनैतिक काम है। जो आदमी बीमार है वो अमेरिका में इलाज करवा रहा है, उसकी हालत बहुत गंभीर थी और उनकी पार्टी के नेता उनके पीछे ही उनकी सरकार गिराने की साजिश कर रहे थे। गहलोत ने कहा कि कैलाश मेघवाल और वसुंधरा राजे ने भी ऐसा ही किया। उन्होंने कहा कि धन बल पर चुनी हुई सरकार को गिराने की हमारी कभी परंपरा नहीं रही, रहा क्या गलत उन्होंने। गहलोत ने दावा किया कि राजे और मेघवाल ने अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनी कि उन्हें उन लोगों का समर्थन नहीं करना चाहिए, यही वजह है कि हमारी सरकार बच गई। मैं इस घटना को कभी नहीं भूलूंगा। गहलोत ने विधायक शोभा रानी कुशवाहा की भी तारीफ की जिन्होंने पिछले साल राज्यसभा चुनाव में बीजेपी के विरोध में जाकर कांग्रेस उम्मीदवार के पक्ष में मतदान किया था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अमित शाह पर भी निशाना साधा। गहलोत ने यह भी आरोप लगाया कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह, गजेंद्र सिंह शेखावत और धर्मेंद्र प्रधान ने मिलकर उनकी सरकार को गिराने की साजिश रची थी। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने राजस्थान में पैसा बांटा और वे अब पैसे वापस नहीं ले रहे हैं। मुझे आश्चर्य है कि उनसे पैसे वापस क्यों नहीं मांग रहे। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोग 3 राज्यों में सरकार गिरा चुके हैं। मैंने अपने विधायकों से कहा है कि अमित शाह से 10 से 15 करोड़ लेने वाले हमारे विधायक पैसा वापस लौटाएं। मैंने तो उनसे यहाँ तक कहा है कि अगर मिले पैसे तो मैं 2 करोड़ रुपये खर्च भी कर दिए हो तो मैं AICC से दिलवा दूंगा। वसुंधरा राजे ने अशोक गहलोत के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 2023 में होने वाली हार से भयभीत होकर झूठ बोल रहे हैं। वसुंधरा राजे ने कहा कि गहलोत ने उन गृह मंत्री अमित शाह पर आरोप लगाए जिनकी ईमानदारी और सत्यनिष्ठा सर्ववैविध्य है। उम्मीद करते हैं हमारी खास रिपोर्ट आपको जरूर पसंद आई होगी। आगे लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। तमाम ऐसी अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज पॉलिटिकल बाइट।